वेलकम दोस्तों, अज साडा 6वां दिन है पीसीएस प्रीलिम की तैयारी का। सो अज असी पिछले साल का पेपर 1 एनालाइज करांगे कि उस दे विच किदां दे क्वेश्चन आउंदे ने, सो उस हिसाब नाल असी अपनी तैयारी करांगे। सो पेपर एनालाइज करन तो पहला असी प्रीलिम पेपर 1 का सिलेबस देख लेने हैं। जनरल स्टडीज का सिलेबस है, पार्ट 1 है एवरीडे साइंस। सो एवरीडे साइंस दे विच क्वेश्चन होणगे, इहदे टॉपिक ने एटम स्ट्रक्चर, कार्बन, एसिड्स, बेस, सॉल्ट। सो जिहड़े असी कैमिस्ट्री फिजिक्स दे विच पढ़े ने वो टॉपिक आउणगे इहदे विच। दैन लाइफ ऑन अर्थ है, ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन लाइफ के क्वेश्चन ने, डिजीज़ के क्वेश्चन ने। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अजकल क्योंकि करोना डिजीज़ चल रही है। सो इनफेक्शियस डिजीज़ ने, लाइफ स्टाइल डिजीज़ ने। दैन पब्लिक हैल्थ इनिशिएटिव्स ने जिदे इम्यूनाइजेशन ते वैक्सीनेशन ने, एच ए वी एड्स, टी बी, पोलियो दे रिगार्डिंग टॉपिक्स ने। दैन फिजिक्स के टॉपिक है फोर्स लॉ, मोशन, ग्रेविटेशन। दैन एनर्जी, कनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। दैन लाइट के टॉपिक ने, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन है। दैन प्रोपेगेशन एंड रिफ्लैक्शन है, इलैक्ट्रिक करंट है। दैन कंप्यूटर्स के, टैलीकम्युनीकेशन के क्वेश्चन होने के। सो यदा फस्ट पार्ट एवरीडे साइंस। सैकेंड पार्ट है इनवायरमेंटल स्टडीज़। सो इनवायरमेंट स्टडीज़ के सोलर सिस्टम, वाटर, सॉयल, क्लाइमेट चेंजेस, ये सारे टॉपिक आने। दैन थर्ड टॉपिक है ये पोलिटिकल थ्योरी तो इंटरनेशनल ऑर्डर। सो ये बेसिक कॉन्सैप्ट ने जो पोलिटिकल थ्यूरी ने वो आने, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, ड्यूटी, सिटीजनशिप, नैशनलिज्म। ये इंटरनेशनल ऑर्डरस ने जो इंटरनेशनल एजेंसीज बनिया ने, इंटरनेशनल ग्रुप्स बने ने, यूनाइटेड नेशन है वोदिया एजेंसीज ने, फिर IMF है, दैन ब्रिक्स है, G20 या होर जिन्हें भी ग्रुप्स बने ने उन्होंने क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन इलैक्टोरल रिफॉर्म्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन पंचायती राज। दैन ये बाद है आर्म्ड चैलेंजेस। आर्म्ड चैलेंजेस के नैक्सलिज्म हो गया, दैन खालिस्तान मूवमेंट होगी, बोडो वॉर मूवमेंट होगी। सो इदा के टॉपिक ये आ सकते हैं। दैन नैक्सट है हिस्टरी ऑफ इंडिया। हिस्टरी ऑफ इंडिया के एंशियंट हिस्टरी है, दैन मेडिवल हिस्टरी, दैन मॉडर्न हिस्टरी। सो तिने आने। दैन वर्ल्ड हिस्टरी है, तो वर्ल्ड हिस्टरी के फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक आने। वर्ल्ड वॉर्स ने, दैन 1 एंड 2। ये बाद इंडियन इकोनमी है, तो इंडियन इकोनमी के इंडियन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट है जिद 5 ईयर प्लैनस के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लैनिंग कमीशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, नीति आयोग के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन LPG पॉलिसी है जो इंडिया की 1991 के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैन की चैलेंजेस टू डिफरेंट सैक्टर्स, के वक्रे वक्रे जिहड़े सैक्टर ने, इंडस्ट्रियल सैक्टर है, सर्विस सैक्टर है या एग्रीकल्चर सैक्टर है, उन्होंने की इंपैक्ट्स पैंदे ने। सो उन्होंने की इंपैक्ट्स ने करोना दे, वो भी एक टॉपिक बनता है अजकल करंट। दैन जोग्राफी है, जोग्राफी के पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन डिवेलपमेंट, वाटर रिसोर्सिस, मिनरल्स, तो बेसिक जोग्राफी के कॉन्सैप्ट। जोग्राफी का टॉपिक असी ऑलरेडी शुरू किया है, ये बेसिक जेडे कॉन्सैप्ट जिनी मैं वीडियो बनाई वो डिस्क्रिप्शन के दिते ने लिंक, वो तुसी देख सकते हो। दैन करंट ईवेंट्स है, करंट ईवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट ईवेंट के नाल रिलेटेड ही आते हैं, जो भी असी स्टैटिक भी पढ़िया है उद्देशों भी जेकर कोई करंट के चीज़ आ गई है तो वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मैं सुजैसट करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना तुम हूँ तो ही स्टार्ट कर दो, एनालाइज़ करो न्यूज़पेपर नूं कि सो कि टॉपिक पर न्यूज़ है। सो उस हिसाब के नाल टॉपिक साढ़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। दैन पंजाब ते ने, पंजाब की जोग्राफी, पंजाब का सोसाइटी, कल्चर, हिस्टरी, तो पंजाब की इकोनमी। सो हुण असीं एनालाइज करते हैं कि पेपर जो 2018 दे विच लिया गया सी PCS का पेपर 1, उहदे विच किहड़े किहड़े टॉपिक ते किन्ने किन्ने क्वेश्चन आए ने। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया द एलीमेंट्स विच आर जनरली अबजॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो ये जनरल एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। सो एवरीडे साइंस का क्वेश्चन एक आ गया साढ़े को। दैन द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सो ये रीसेंट क्वेश्चन है, सो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो करंट अफेयर के असी इनू प्लस कर लेने। सो बेसिकली ये क्वेश्चन करंट भी होंगे ने, नाल दी नाल किसी स्टैटिक टॉपिक के भी नाल रिलेटिड हो सकते हैं, जिमें ये टॉपिक है जिस तरह सैकेंड क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स नू लैके या दिल्ली CM की पावर्स नू लैके। सो ये इंडियन पॉलिटी के नाल भी रिलेटिड है, करंट अफेयर के नाल भी रिलेटिड है। सो असी इनू करंट अफेयर च पा लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दैन थर्ड क्वेश्चन है फिर
ऑयल जैपर है जो रीसेंट न्यूज़ के आया, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दैन उसके बाद है सी एफ एल तो एल ई डी लैंप के की डिफरेंस है। सो ये एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, असी रोज़ देखते हैं एल ई डी बल्ब, सो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन हो गया। दैन फिफ्थ क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन ते क्वेश्चन है, तो ये इंटरनेशनल बॉडीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये असी पॉलिटिकल थ्यूरी तो इंटरनेशनल ऑर्डरस इनू ऐड कर लें। दैन सिक्स क्वेश्चन दिता गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सो ये द एसचुरी इज़ अ प्लेस वेयर रिवर फ्रैश वाटर मीट्स विद द ओशन वाटर, सो ये रिलेट करता है क्वेश्चन जोग्राफी के नाल, इनू असी जोग्राफी के ऐड कर लें। दैन सैवंथ क्वेश्चन है कंपाउंड ऑफ डैश डिजीज मिनामाता डिजीज़, सो ये डिजीज़ के क्वेश्चन है, सो इनू असी एवरीडे साइंस के ऐड कर लें। दैन साढ़े को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट दी गई है इन द कंटैक्सट ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल से क्वेश्चन आया, सो इनू असी इनवायरमेंटल स्टडीज़ के एक क्वेश्चन ऐड कर लें। उसके बाद है विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट, सो ये भी इनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाल ही रिलेट करता है क्वेश्चन, सो इनू ही असी इनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऐड कर लें। उसके बाद है टेंथ क्वेश्चन कंजली वैटलैंड, सो कंजली वैटलैंड का क्वेश्चन है, ये जोग्राफी का क्वेश्चन है, इनू असी जोग्राफी के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इलेवंथ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द न्यू एम एस पी ऑफ द पैडी डिकलेयर बाय गवर्नमेंट इन जुलाई, सो ये एम एस पी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट वालों डिकलेयर किया जाता है, सो ये क्वेश्चन रिलेट करता है वैसे तो एग्रीकल्चर सैक्टर के नाल, सो ये पंजाब के नाल भी असी इनू पंजाब भी पा सकते हैं कि पंजाब के नाल रिलेटिड क्वेश्चन है, या असी इनू इनू असी इंडियन पॉलिटी दे विच भी पा सकते हैं कि एक पोलिटिकल एजेंडा बन चुका है अजकल, असी इनू पंजाब दे विच पा लेने क्वेश्चन। दैन उसके बाद है ट्वेल्थ क्वेश्चन है वट इज़ द जोलॉजिकल नेम ऑफ द स्टेट बर्ड बर्ड ऑफ पंजाब, सो ये पंजाब का क्वेश्चन है बेसिकली, सो इनू असी पंजाब दे विच ऐड कर लेने। उसके बाद 13 क्वेश्चन है ये रैप्टर एमओयू ते है, सो ये इंटरनेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा दे विच असी इनू पा सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्डरस दे विच। उसके बाद है इंडियन वल्चर ते क्वेश्चन है, सो इनू असी इनवायरमेंटल स्टडीज़ दे विच पा लेने हैं, क्योंकि इनवायरमेंटल स्टडी दे विच ही ज़्यादा जोर दिता जाता है कि जिहड़ी पॉपुलेशन घट रही है बर्ड की, सो इनू असी इनवायरमेंटल स्टडी दे विच पा लेने हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन दे विच कॉलम ए कॉलम बी दिता है, सो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं हुशियारपुर जलंधर, सो ये पंजाब का क्वेश्चन बनता है, इनू असी पंजाब दे विच ऐड कर लें। दैन उसके बाद क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिखाई गई ने असी दसना है कि गलत है कि सही है, सो ये क्वेश्चन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उपर, सो ये पावर इंडस्ट्री के उपर क्वेश्चन है, सो इनू असी इकनोमी के पा लें इंडियन इकोनमी के उपर। उसके बाद 17th क्वेश्चन है ये भी पावर प्रोजेक्ट के उपर ही है, इनू भी असी इंडियन इकोनमी के पा लें हाल की घड़ी। दैन 18th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड जीरो माइल सेंटर, सो लोकेशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफिक सेंटर, सो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 18th नूं असी ज्योग्राफी दे विच ऐड कर लैने। दैन 19th क्वेश्चन है बेनीफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटिड वाटरशेड डिवेलपमेंट प्रोग्राम, सो डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स जिहड़े ने इन्हां नूं असी इकोनमी दे विच पा लैने हैं, इकोनमिक डिवेलपमेंट्स ही ने। दैन उहदे बाद है 20th क्वेश्चन मैच द कॉलम है, ये एलीमेंट्स दिते ने यूरेनियम कॉपर, सो इनू असी एवरीडे साइंस के पा लें, कैमिस्ट्री के नाल रिलेटिड क्वेश्चन है। दैन 21st क्वेश्चन है सेतु भारतम ट्रांसपोर्ट सैक्टर के नाल रिलेटिड है क्वेश्चन, इनू असी इंडियन इकोनमी के पा लें। दैन 27th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर कल्टीवेटड, सो ये क्रॉप से नाल रिलेटिड क्वेश्चन है, सो एग्रीकल्चर सैक्टर से है इंडियन, इनू भी असी इंडियन इकोनमी के ऐड कर लें। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन है इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेड टू, सो ये बेसिकली पोलीटिकल थ्यूरी का क्वेश्चन है, इनू असी पोलीटिकल थ्यूरी के क्वेश्चन ऐड कर लें। दैन अगेन 24th क्वेश्चन है बैनल नैशनलिज्म, सो ये भी पोलीटिकल थ्यूरी का एक टर्म है, पोलीटिकल थ्यूरी के ऐड कर लें। दैन यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्डर का ही पार्ट है, इनू भी असी एक कर लें ऐड। दैन अगेन यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन है, इनू भी असी ऐड कर लें, पोलीटिकल थ्यूरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के। उसके बाद 27th क्वेश्चन है अगेन यूएन एजेंसीज से ही है रिलेटिड, इनू भी असी इंटरनेशनल ऑर्डर के नाल ही ऐड कर लें। 28th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चो, सो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, इनू असी इंडियन पॉलिटी के एक क्वेश्चन ऐड कर लें। दैन 29th क्वेश्चन है
कमेटीज़ ऑफ पार्लीमेंट के सो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है इनू असी इंडियन पॉलिटी के ऐड कर लें। दैन 30th क्वेश्चन है रोहिंग्या क्राइसिस से सो म्यांमार से क्वेश्चन है सो इनू असी इंटरनेशनल ऑर्डर के पा लें सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है सो इनू असी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऐड कर लें। दैन 31st नंबर क्वेश्चन है अमेंडमेंट्स से सो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है अमेंडमेंट्स। 32nd नंबर क्वेश्चन है शड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यह भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है पॉलिटी के क्वेश्चन एक ऐड कर लें। दैन 33rd नंबर क्वेश्चन है पोलीटल पार्टीज़ के उत्ते सो यह भी इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन है इनू भी असी इंडियन पॉलिटी ऐड कर लें। दैन 34th नंबर क्वेश्चन है पंचायती इलैक्शन से सो यह भी इंडियन पॉलिटी है इनू भी असी इंडियन पॉलिटी ऐड कर लें। दैन 35th नंबर क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टेट काउंसिल तो इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन है भी इनू इंडियन पॉलिटी ऐड कर लें। दैन 36th नंबर क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी दे सो यह पोलीटिकल थ्यूरी का क्वेश्चन है इनू असी पोलीटिकल थ्यूरी ऐड कर लें। दैन 37th नंबर क्वेश्चन है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से है सो इंटरनेशनल ऑर्डरस से ने इनू ही असी थर्ड टॉपिक दे ऐड कर लें। दैन 38th नंबर क्वेश्चन है पार्लीमेंट से हाउसिस ऑफ पार्लीमेंट से सो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन बनता इनू असी इंडियन पॉलिटी ऐड कर लें। सो 39 नंबर क्वेश्चन है बुकर प्राइज़ से सो ये एक्चुअली करंट टॉपिक तो आता है सो 39th क्वेश्चन असी करंट के ऐड कर लें। दैन 40th नंबर क्वेश्चन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन नाल रिलेटेड है सो इनू भी असी 40th नंबर भी इंडियन पॉलिटी ऐड कर लें। सो 41st नंबर क्वेश्चन है GST दे तो GST एक साडा इकोनमी दे नाल भी रिलेटेड है करंट दे नाल भी रिलेटेड है टॉपिक ते पॉलिटिक्स दे नाल भी रिलेटेड है सो इनू असी ऐड कर लेने हैं करंट टॉपिक दे विच। 42nd नंबर क्वेश्चन है पावर्स अंडर असेंशियल कमोडिटी एक्ट सो ये क्वेश्चन जिहड़े एक्ट से ने यह असी करंट टॉपिक दे विच ऐड कर लेने हैं वैसे तो यह पॉलिटी दे क्वेश्चन ने बट एक्ट्स जे कोई करंट के डिस्कस होंदा होए या कोई न्यूज़ के करंट टॉपिक आया होए तो ही इदा के क्वेश्चन आते हैं सो इन असी करंट अफेयर के ऐड कर लें। दैन 43rd नंबर क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम सो ये बेसिकली एक तो करंट टॉपिक भी है इकोनमी का टॉपिक भी है सो इनू असी इंडियन इकोनमी के ऐड कर लें। दैन 44th नंबर क्वेश्चन है इकनोमिक मैटर्स के उपर सो इनू भी असी इंडियन इकोनमी के ऐड कर लें। 45th नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल मूवमेंट के उपर मी टू मूवमेंट के उपर क्वेश्चन है सो एक करंट टॉपिक सी सो इनू असी करंट के ऐड कर लें। दैन है 46th नंबर डेफिसिट फाइनेंसिंग के उपर एक इंडियन इकोनमी का क्वेश्चन है इनू असी इकोनमी के ऐड कर लें। दैन 47th नंबर क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल जो है टेस्ट की गई सी June 3 2018 सो एक करंट टॉपिक सी उस टाइम पर 2018 के असी करंट के ऐड कर लें। दैन 48th नंबर क्वेश्चन है MSP ते है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते है इनू भी असी इंडियन इकोनमी के ऐड कर लें एग्रीकल्चर सैक्टर का क्वेश्चन है। दैन 49th नंबर क्वेश्चन है UN बॉडीज़ ते सो इंटरनेशनल बॉडीज़ के उत्ते क्वेश्चन है इनू असी थर्ड टॉपिक के ऐड कर लें। दैन 50th नंबर क्वेश्चन है भारत 22 ते सो एक कोई करंट टॉपिक होएगा सो इनू असी करंट टॉपिक के ऐड कर लें। दैन 51st नंबर क्वेश्चन है इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम के उपर सो यह भी इकोनमी का क्वेश्चन होएगा या इनू करंट टॉपिक भी असं ऐड कर सकते हैं नवा कोई प्रोग्राम लॉन्च होया सो इनू असी करंट इवेंट के ऐड कर लें। दैन 57th नंबर क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इकनोमिक एडवाइजरी काउंसिल सो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है इनू असी इंडियन पॉलिटी के ऐड कर लें। वो बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है RBI गवर्नर के उपर सो यह भी इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन है इनू असी इंडियन पॉलिटी के ऐड कर लें। दैन 54th नंबर क्वेश्चन है सोलर ब्रीफकेस जो स्कीम लॉन्च की गई है सो एक करंट टॉपिक है कोई नवी स्कीम लॉन्च की है सो इनू असी करंट इवेंट्स के ऐड कर लें। दैन 55th नंबर क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन सो असी इनफ्लेशन सुनया है सो एक नवी टर्म सी स्टैगफ्लेशन सो स्टैगफ्लेशन भी एक इकोनमी के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है सो इनू भी असी इंडियन इकोनमी के ऐड कर लें। दैन 56th नंबर क्वेश्चन है जीरो हंगर प्रोग्राम सो यह भी एक डिवेलपमेंट प्रोग्राम ही सी इनू भी असी इकनोमिक प्रोग्राम के ऐड कर लें सो इकोनमी के ऐड कर लें। सो 57 नंबर क्वेश्चन है ये मई 2018 के नाल रिलेटेड है सो करंट टॉपिक के जाएगा सो ये आ गया अपना करंट टॉपिक। दैन वो बाद है 58th नंबर क्वेश्चन महारत्ना इंडस्ट्रीज सो इंडस्ट्रीज़ ये भी इंडियन इकोनमी के जाएगा क्वेश्चन।
दैन 59th नंबर क्वेश्चन है इनसैक्टीसाइड्स बैंड बाय पंजाब गवर्नमेंट, सो ये पंजाब के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, इनू असी पंजाब दे विच ऐड कर लैने। दैन 60th नंबर क्वेश्चन है पंजाब गवर्नमेंट दे है, सो ये पंजाब दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, इनू भी असी पंजाब दे विच ही ऐड कर लैने। दैन 61st नंबर क्वेश्चन है वैन बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसिस, सो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इनू असी एवरीडे साइंस दे विच ऐड कर लैने। दैन 62nd नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के उत्ते, 63rd नंबर क्वेश्चन है वेलोसिटी के उपर, 64th नंबर क्वेश्चन है लाइट के उपर, सो ये तीनों ही जिहड़े क्वेश्चन ने साइंस के नाल रिलेटड ने, सो एवरीडे साइंस के विच असी तीन क्वेश्चन ऐड कर लेने। दैन 65th नंबर क्वेश्चन है इंटरनल रिफलैक्शन के उपर, लाइट का ही क्वेश्चन है। 66th नंबर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव सबसटेंस के उत्ते, सो ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। सो आयोडाइज सॉल्ट है ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, सो तीन क्वेश्चन होर साडे आ गए एवरीडे साइंस के विचों। दैन 68th नंबर क्वेश्चन है विनेगर के उपर, साइंस का क्वेश्चन है। लिटमस ये भी साइंस का क्वेश्चन है, सो ब्लड वैसल्स, सो ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है साडा, सो तीन क्वेश्चन होर साढ़े साइंस के विचों ही आ गए, सो प्लस थ्री। सो 71st नंबर क्वेश्चन है कि द वर्जन ऑफ द रॉक किन्ने पेंट किया, उसका पेंटर कौन है, सो ये करंट अफेयर से टॉपिक हो सकता है, सो इनू असी ऐड कर लेने हैं प्लस वन करंट अफेयर से। दैन 72nd नंबर क्वेश्चन है पेनी पोस्ट फास्ट एंड चीप कम्यूनीकेशन, सो कम्यूनीकेशन तो टॉपिक है, ये भी असी साइंस के ऐड कर लेने हैं एवरीडे साइंस के। दैन साडा क्वेश्चन है 73rd नंबर क्वेश्चन है अमेरिकन रेवोल्यूशन से है, सो हिस्टरी का क्वेश्चन आया साढ़े को पहला, सो इनू असी हिस्टरी दे विच ऐड कर लेने हैं एक क्वेश्चन। दैन 74th नंबर क्वेश्चन है डिस्कोर्स ऑफ द ओरिजिनल इनइक्वालिटी, सो इनइक्वालिटी बारे दसना है, सो ये पोलीटिकल थ्यूरी का क्वेश्चन है, पोलीटिकल थ्यूरी दे विच इनू क्वेश्चन नू असी ऐड कर लेने हैं। दैन 75th नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, सो ये करंट टॉपिक हो सकता है, सो ये करंट न्यूज़ दे विच आया हो सकता है उस टाइम के उत्ते, सो 75th क्वेश्चन असी ऐड कर लेने हैं करंट टॉपिक के उत्ते। सो 76th नंबर क्वेश्चन है, सो ये रिलेटेड है पोलीटिकल थ्यूरी के नाल, सो इनू असी पोलीटिकल थ्यूरी दे विच ऐड कर लेने, स्टैलिन लेनिन इन्हां दे क्वेश्चन है पोलीटिकल थ्यूरी दे ने। दैन 77th नंबर क्वेश्चन है कोई ट्रीटी ते है, सो इंटरनेशनल ट्रीटी है बिटवीन कंट्री, सो ये भी इंटरनेशनल ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। सो 78th नंबर क्वेश्चन है साढ़े को जर्मन रिप्रजेंटेटिव के उपर, 79th नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन बारबोसा, सो ये दोनों क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाल रिलेटेड ने, सो इन्हों असी दो क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्डर के ऐड कर लेने, दो क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्डर। दैन आया साढ़े को 80th क्वेश्चन आया हिस्टरी के उपर, हरप्पन सिविलाइजेशन पर है, सो हिस्टरी ऑफ इंडिया के असी एक क्वेश्चन होर ऐड कर लेने। दैन 81st नंबर क्वेश्चन है लीडर ऑफ द जैन, 87th नंबर क्वेश्चन है इबन बतूता दे, सो ये दोनों हिस्टरी के टॉपिक ने, सो असी दो क्वेश्चन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 83rd नंबर क्वेश्चन है अशोका के उपर, दैन 84th नंबर क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के उपर, ये दोनों क्वेश्चन हिस्टरी के ने, सो इन दो क्वेश्चन असी इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 85th नंबर क्वेश्चन है दस्तक सिस्टम अडोप्टड बाय ब्रिटिश के उपर, सो ब्रिटिश इंडिया के उपर क्वेश्चन है, हिस्टरी का क्वेश्चन है। 86th नंबर क्वेश्चन है रिफॉर्मर एंड फिलोसफर के उपर, सो ये भी हिस्टरी का ही क्वेश्चन है। दैन स्टोरी ऑफ विदे महादेव इज नरेटेड बाय, सो ये भी हिस्टरी का ही क्वेश्चन है, सो ये तीन क्वेश्चन असी इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 88th नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी, सो 88th नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तनेट के उपर, सो हिस्टरी का क्वेश्चन है, इनू असी एक क्वेश्चन इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 89th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंच एक्सपलोरर के उपर, सो एम्परर शाहजहां के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इनू भी असी इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 90th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ सदरन हिस्टरी के उपर रिलेटेड है क्वेश्चन, सो इनू असी इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लेने। दैन 91st नंबर क्वेश्चन है करंट प्रेजिडेंट ऑफ फीफा दे, सो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, सो इनू असी करंट के ऐड कर लेने। दैन 92nd नंबर क्वेश्चन है पंजाबी राइटर्स के उपर हू हैव बिन अवॉर्डेड प्रेस्टीजियस जनरलपिथ अवार्ड, सो ये पंजाब के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, इनू असी पंजाब के ऐड कर लेने। दैन 93rd नंबर क्वेश्चन है गुरु गोबिंद सिंह जी के उपर है, सो ये भी सिख हिस्टरी के उपर क्वेश्चन है, इनू भी असी हिस्टरी के ऐड कर लेने, इनू असी पंजाब की हिस्टरी के ऐड करा, सो ये पंजाब के क्वेश्चन आएगा पंजाब का प्लस वन।
दैन 94th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो बाय पिट इंडिया एक्ट। सो यह भी एक हिस्टरी का ही क्वेश्चन बनता है। सो ब्रिटिश इंडिया के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, यह भी इंडियन हिस्टरी का क्वेश्चन बनता है। सो इनू असी इंडियन हिस्टरी के ऐड कर लें। दैन 95th नंबर क्वेश्चन है, थ्री डिमेंशनल पिक्चर देखने लिए सानू की वेयर करना पैंदा है। सो एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, इनू असी एवरीडे साइंस के ऐड कर लें। दैन 96th नंबर क्वेश्चन है, वाटर हीट के उपर। सो यी एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, इनू भी असी एवरीडे साइंस के ऐड कर लें। सो 97th नंबर क्वेश्चन है, एपीडेमिक्स के उपर, नैचुरल कैलामिटीज़ के उपर क्वेश्चन। सो यी डिजीज़ का क्वेश्चन है, इनू असी एवरीडे साइंस के ऐड कर लें। दैन 98th नंबर क्वेश्चन है, MOU साइंड बाय पंजाब गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कारपोरेशन। सो इंडिया, सो ये पंजाब के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, इनू असी पंजाब के टॉपिक्स के ऐड कर लें। दैन 99th नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग के उपर है, G7 G8 से। सो इनू असी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऐड कर लें प्लस वन। दैन 100th नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी के उपर। सो पंजाब की हिस्टरी के उपर क्वेश्चन है रिलेटड। सो पंजाब के नाल रिलेटड क्वेश्चन होया, इनू असी पंजाब के ऐड कर लें। सो एज पर सिलेबस ये क्वेश्चन बनते हैं साढ़े पेपर 2018 के जो पेपर आया वो। सो मेजर जिहड़ा पार्ट है वो है पोलिटिकल थ्यूरी, इंटरनेशनल ऑर्डरस, इंडियन पॉलिटी, तो नाल है करंट अफेयरस से। सो इन टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इकोनमी के भी बहुत सारे क्वेश्चन ने, एवरीडे साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन ने, तीन है। सारे टॉपिक्स इंपोर्टेंट ने, सिर्फ लास्ट वारी के ज्योग्राफी के थोड़े क्वेश्चन घट आए हैं, बाकी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जोड़े ने इक्वली आए हैं। सो जनरल स्टडीज़ की तैयारी असं इस हिसाब के शुरू करा। सो तुसी कमेंट दे विच लिख के दसो कि केड़ी चीज़ की तैयारी असी पहले शुरू करिए 9 टॉपिक्स के। सो अज का जिहड़ा पेपर 2 का टॉपिक है वो हैगा आ अल्फाबैट टेस्ट दे। अज टाइप 4 ते टाइप 5 असी करने ने, कल असी टाइप 1, 2, 3 किए सी, अज असी 4, 5 करांगे। सो उहदी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हाँ, तुसी डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है उत्ते क्लिक करके देख सकते हो, या आई बटन आ रहा कॉर्नर दे विच उहदे उपर क्लिक करके तुसी इह वीडियो देख सकते हो। सो कल असी नैक्सट टॉपिक करांगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। नाल दी नाल इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहानूं नाल दी नाल मिलते जाए।